एंड्रॉइड में आकर क्या ही नया हो सकता है, क्योंकि एंड्रॉइड के अंदर वो सारे फीचर आप आज के समय में आ ही चुके जो हम ऑलरेडी उसके अंदर देखना चाहते थे। और अब जो चेंजेस हो रहे हैं ना वो बहुत ही ज्यादा माइनर हो रहे हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जो आने वाले समय में एंड्रॉइड की दुनिया का एक सबसे बड़ा फीचर बन सकता है, और वो हो सकता है AI। अब आप बोलोगे यार एंड्रॉइड के अंदर तो AI पहले से देखने को मिलती है, जिसके अंदर इमेजेस एनहेंस हो जाती है, यार ये सारी चीजें तो चल रही थी, लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ऑन डिवाइस AI की। देखो इससे पहले भी वीडियो में मैंने बात करी थी जहाँ पे क्वालकॉम जैसी कंपनी, मीडियाटेक जैसी कंपनी अपने डिवाइसेस के अंदर AI को इंटीग्रेट कर रही है, और उन्होंने अपने प्रोसेसर को इस कैबल बना दिया यहाँ पे फोन के अंदर ही वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रन कर सकता है, और ये इंटेलिजेंस वैसी होगी जैसे कोई चैट बॉट आप यूज करो, या फिर AI का यूज करके अगर आपको इमेज जनरेट करनी है, और मोबाइल फोन अगर आपको इंटरनेट से कनेक्टेड है भी नहीं तो भी सारी चीजें यहाँ पे करना पॉसिबल है। और ये सब हम लोग कर पा रहे हैं तो डिवाइसेस के अंदर जो AI कैपेबिलिटीज आ रही है, लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 में भी आई है, और जो मीडियाटेक डिमेंसिटी 9300 आया है उसके अंदर भी आई है, लेकिन कंपनी जो है वो इस AI को तब तक यूज नहीं कर सकती जब तक गूगल पीछे से इसका सपोर्ट ना दे, या फिर ये कंपनीज को अपनी खुद की AI यहाँ पे डेवलप करनी पड़ेगी। अब ऐसे ही एंड्रॉयड के अंदर अब आपको AI देखने को मिल सकती है। हाल ही में गूगल ने जेमिनी नाम की AI को इंट्रोड्यूस किया था, जिसे बोला गया था GPT-4 का यहाँ पे कंपेटिटर है। और इसके साथ ही ये बात भी आपको जानना जरूरी है कि यहाँ पे गूगल ने जो जेमिनी AI का जो डेमो यहाँ पर दिखाया था ना, उन्होंने टेक्स्ट इनपुट भी दिया था, इमेजेस भी दिखाई थी, और काफी चीजों को फास्ट फॉरवर्ड किया था, जिसे देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इतना ज्यादा भी एडवांस नहीं था जैसा हमें देखने में लग रहा था। हालांकि वो भी अभी एक AI है, उस पर गूगल काम कर रहा है और धीरे धीरे उसे यहाँ पर बेटर कर रहा है। लेकिन आपको एक बात बता सकता हूँ कि यहाँ पे गूगल ने इसके अल्ट्रा प्रो और नैनो वर्जन बनाए थे, और जो सबसे खास बात है ना वो है नैनो वर्जन की, क्योंकि जो नैनो वर्जन है ना वो अब आपको मोबाइल फोन्स में देखने को मिलेगा, और AI कैपेबिलिटीज जैसे कि हम जो अलग अलग एप्स यूज करते हैं आपके डिवाइस के हिसाब से AI होगी ना, वो चीज आपको देखने को मिलेगी, यानी कि आप किस तरीके से काम करते हो, उस चीजों को एनालाइज करना और उसके अंदर आपकी हेल्प करना। अब देखा जाए तो आज के समय में पिक्सल 8 के अंदर इसको एज अ डेवलपर फीचर की तरीके से यूज किया जा रहा है, एंड्रॉइड के अंदर नई AI कोर सिस्टम सर्विस लेकर आया, लेकिन ये पिक्सल के अंदर अभी सिर्फ टेस्टिंग में चल रहा है, आने वाले फ्यूचर में कुछ ही डिवाइसेस तक आएगा जिसके अंदर इसका हार्डवेयर कंपैटिबल होगा, क्योंकि अब ये जो हार्डवेयर है ना ये दूसरे फोन्स में भी अब आने चालू हो चुका है। इसके साथ एक बात बता सकता हूँ कि जो AI रह सकती है यहाँ पे क्या क्या काम कर सकती है, कि अगर आपने रिकॉर्डर ऐप पे अंदर कोई कंटेंट प्ले कर रहे हैं तो उसको समराइज करके आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में यहाँ पे दिखा सकता है, यहाँ पर अगर आप व्हाट्सएप में कहीं से चैट कर रहे हैं तो आपको स्मार्ट रिप्लाईज वगैरह देखने को मिल सकते हैं। ये कुछ बेसिक चीजें यहाँ पर ऐड बताई गई है, लेकिन जेमिनी AI का एक डेमो तो ये भी दिया गया था जहाँ पे आप इंग्लिश में कोई यूट्यूब वीडियो प्ले हो रहा है तो वीडियो की ऑलरेडी पूरी समरी आपके सामने आ सकती है, यानी कि AI के बहुत सारे यूज केसेस हो सकते हैं, और धीरे धीरे मोबाइल फोन के अंदर आपको चीज इंप्लीमेंट होते हुए दिखेगी। अब चलिए कुछ इंटरेस्टिंग बातों के बारे में बात करता हूँ। आज के समय में ये पता लगता है कि पिक्सल 9 के अंदर खुद का ही एक स्मार्ट डिजिटल असिस्टेंट होगा जो कि इसी जेमिनी AI पे बेस्ड होगा, और उसका नाम होगा पिक्सी। और ये जो AI असिस्टेंट होगा कहा जा रहा है कि डिवाइस के अंदर ही चलेगा, इसको इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी, और आप जो डेटा जो इनपुट दोगे ना उसी से सीखेगा और आपके हिसाब से पर्सनलाइज असिस्टेंस देगा, और जितनी भी गूगल एप्स होंगे वहां तक ये फैलेगा। ये काफी इंटरेस्टिंग फीचर लग रहा है। और इसके साथ ही भी बताया जा रहा है अपकमिंग गैलेक्सी S24 के अंदर भी सैमसंग की गैलेक्सी AI को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकता है, जो कि कुछ इसी तरीके का यहाँ पे काम करेगी और डिवाइस के अंदर रह के काम करेगी। मतलब 2024 में आपको मोबाइल फोन्स के अंदर AI जो रहती है सबसे बड़ा बजवर्ड होने वाला है, और एंड्रॉइड के लिए जो सबसे बड़ा फीचर होता है वो है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि सैमसंग काम कर रही, गूगल काम कर रही है, क्वालकॉम ने जो डेमोज यहाँ पर दिखाए थे इससे पहले AI के, उसके लिए उन्होंने मेटा कंपनी की LLAMA2 AI को यहाँ पे यूज किया था, जो कि एक और लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जैसे कि आपका GPT होता है या जेमिनी AI है, लेकिन ये चीज वहां पे भी वैसे ही काम करी थी, और इसका यूज उन्होंने इमेज जनरेशन, टेक्स्ट जनरेशन इन सब के अंदर दिखाया था। और सिर्फ इतना ही नहीं है कि यहाँ पे यही कंपनीज काम कर रही है, सुनने में आया कि जो चाइनीज कंपनीज है वो भी अपनी खुद की AI को यहाँ पे डेवलप करके मोबाइल फोन में इंटीग्रेट कर सकती है, क्योंकि डेफिनेटली गूगल जेमिनी तो उनको एक्सेस देने नहीं वाला, इसलिए वो खुद की AI तो यहाँ पे बनाएंगी। लेकिन देखने की इंडियन मार्केट के अंदर अगर अपने फोन्स लाती तो वो AI किस तरीके से काम करती है, डेटा डिवाइस में स्टोर होता है कि नहीं होता, ये एक सोचने वाली बात है। और सिर्फ इतनी बात नहीं रहेगी,
यहाँ पे जो चैट जीपीटी की ओनर है ओपन एआई, उन्होंने भी कहा है कि यहाँ पे आने वाले समय में वो डिवाइसेस के अंदर अपनी एआई डाल सकते हैं। अब बातचीत चल रही है काफी सारे वेरिएबल स्टार्टअप से जिनसे अंदर वो यहाँ पे अपनी एआई को इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ तक ये भी पता चलता है जो मिस्टर जॉनी आई वे एप्पल के प्रीवियस चीफ डिजाइन ऑफिसर, काफी सारे एप्पल प्रोडक्ट्स को डिजाइन किया, वो भी इंटरेस्टेड है एआई में और एआई रिलेटेड कोई डिवाइस निकाल सकते हैं। ऐसी खबरें भी यहाँ सुनने को मिल रही है और एप्पल के बारे में भी सुनने को मिलता रहता है कि आने वाले समय में एप्पल के आईफोन के लिए भी ये लोग अपनी एआई वहां पे बना रहे हैं जिसके बारे में एप्पल ने यहाँ पे कुछ नहीं बताया। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके मोबाइल फोन में आने वाली है और अपकमिंग जो एंड्रॉइड वर्जन होंगे ना उनके अंदर जो सबसे हाईलाइटिंग फीचर होगा वो होगा उसकी एआई। बस ये जो एआई वाला फीचर है हर मोबाइल फोन तक नहीं पहुंचेगा, सिर्फ उन्हीं फोन तक पहुंचेगा जिसके अंदर आपको डेडिकेटेड एआई के लिए चिप्स और प्रोसेसर वगैरह देखने को मिल रहा है। बाकी जितने भी डिवाइसेस होंगे ना उनके अंदर ये इंटरनेट के थ्रू होती है ना एआई, वैसे ही यहाँ पर काम करने वाली है। इसी के साथ ही बात कर रहे हैं तो जितनी भी एआई के बारे में अभी तक बात करी ना ये सारी की सारी बाहर के, और एंड्रॉइड में भी जो गूगल यहाँ पे डालेगा वो भी यहाँ पे बाहर यूएसए के अंदर डेवलप की जाएगी। लेकिन इंडिया का क्या कोई मेड इन इंडिया एआई कभी देखने को मिल सकती है? वेल, एक एआई का यहाँ पे डेमो दिया गया था जिसका नाम था कृत्रिम एआई, और कहा गया था कि ये एआई ऐसे नहीं है कि यहाँ पे चैट जीपीटी का यूज कर रहे हैं बैकएंड में या किसी और का यूज कर रहे हैं या फिर चैट जीपीटी से ही आउटपुट लेके उसे ट्रांसलेट कर रहा है। नहीं, उन्होंने यहाँ पे ग्राउंड से अपने एआई को यहाँ पे डेवलप किया गया है जो कि टेक्स्ट में भी काम कर सकता है, स्पीच में भी, इमेजेस के अंदर भी काम कर सकता है। लेकिन अभी ये जो एआई रहती है मार्केट के अंदर नहीं आई है, देखना होगा कि जब मार्केट में आएगी तो ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश प्लेयर है उनसे कितनी ज्यादा बेटर होती है। लेकिन ये एआई यहाँ पे सिर्फ प्रॉमिसिंग सिर्फ इसलिए लग रही है क्योंकि ये इंडिया के कंटेक्स्ट को समझेगी। खैर जब वो आएगी तब हम उसके बारे में और बात करेंगे। लेकिन अभी भी एक सवाल आता है, ये जो एआई जिसके बारे में बात कर रहे हैं जो मोबाइल फोन के अंदर अब आपको देखने को मिल रही है ये कितनी ज्यादा हेल्पफुल होती है? अभी तो सिर्फ छोटे मोटे डेमोज ही आए हैं यहाँ पे कि रिकॉर्डर ऐप के अंदर समराइज कर दिया चीजों को या फिर प्रेडिक्टिव टेक्स्ट दे दिए जीबोर्ड वगैरह में, जो इससे पहले भी कहीं ना कहीं हुआ करते थे और इंटरनेट के थ्रू चलते थे। लेकिन कोई ग्राउंड ब्रेकिंग चीज आनी चाहिए जिससे दिख के लगे हाँ यार इस एआई के लिए यार ये फीचर तो यहाँ पे काम करना बनता है, क्योंकि ये सारा जो काम होता है ना ये डिवाइस के अंदर ही होता है। ये अभी भी थोड़ा सा मिसिंग है। देखने वाली बातों की कौन सी कंपनी से क्रैक करती है, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये अगला सबसे बड़ा गिमिक बन के यहाँ पे रह जाए। देखने वाली बात होगी आने वाला फ्यूचर क्या रहता है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर एआई एक बहुत बड़ा फ्यूचर होने वाला है मोबाइल फोन इंडस्ट्री के अंदर। बाय द वे, वीडियो इंटरेस्टिंग लगा सब्सक्राइब करो यहाँ पे। थैंक यू का वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।